इसके साथ ही अब सवाल ये उठ रहा है कि कैसे ये पता लगाया जाए कि वो साइको किलर कब से और कैसे जांच को आगे बढ़ाने की दिशा को भटकाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी जानकारी आप तक ये पहुंचा दे कि अब जो है साहिल खान के दिमाग का एनालिसिस किया जाएगा। जी हाँ, साइको एनालिसिस टेस्ट किया जाएगा, जिसमें ये जानने की कोशिश की जाएगी कि उसके दिमाग में चल क्या रहा था, उसकी पसंद नापसंद, वो किस तरीके का व्यवहार रखता था, उसके दिमाग में किस तरीके की प्लानिंग हो रही थी। क्योंकि जितने भी वीडियो, जितनी भी तस्वीर उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड हो रखी है, उसमें ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो एक साइकिल किलर था। क्योंकि उसमें वो आतंक उठाने की बात कर रहा था, वो कह रहा था कि कैसे कोई लड़की जो है प्यार में धोखा दे सकती है। ये रिपोर्ट आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि कैसे उसके दिमाग में ये खुराफात पिछले कई महीनों से चल रहा था। दिल्ली में हैवानियत से उठेगा पर्दा, आरोपी साहिल उगलेगा सभी राज, साहिल का पुलिस कराएगा साइको टेस्ट। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या ने पूरे देश को हिला दिया है। वहीं हत्याकांड के आरोपी साहिल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्याकांड के पर्दे खोलने की कोशिश तेज कर दी है। हत्या के पीछे रही वजह के सभी राज खोलने के लिए पुलिस साइंटिफिक तरीकों का भी सहारा ले रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी साहिल का साइको एनालिसिस टेस्ट यानी PAT टेस्ट कराया जाएगा। दिमाग के इस टेस्ट के जरिए पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। इस टेस्ट से साहिल के दिमाग, उसके रहन सहन, उसकी दिनचर्या, उसके क्या क्या शौक हैं, उन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाएगी। साइकोलॉजिस्ट आरोपी साहिल ने उसके परिवार, उसके दोस्तों के बारे में पूछेंगे, उसका लाइफस्टाइल, उसके शौक, पसंद नापसंद, सबके बारे में राज उगलवाएंगे। क्या है साइको एनालिसिस टेस्ट? ये टेस्ट करीब 3-4 घंटे तक चलेगा। 3-4 मनोचिकित्सक सवाल जवाब करेंगे। मनोचिकित्सक साहिल के व्यवहार की जांच करेंगे। साहिल से उसकी पसंद और नापसंद पूछी जाएगी। साहिल के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाएगी। वहीं मामले में दिल्ली पुलिस कोर्ट में जल्द चार्जशीट दाखिल करेगी। इसलिए ये टेस्ट सपोर्टिंग सबूतों के मद्देनजर काफी जरूरी है कि आखिर आरोपी साहिल की दिमागी हालत क्या थी, जिसने ऐसी दरिंदगी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। देखिए, साहिल जो है अभी फिलहाल पुलिस कस्टडी में है, 2 दिन की पुलिस कस्टडी जो है कोर्ट से मिली है, लेकिन अब जो है PAT टेस्ट करवाया जाएगा। दीपक मिश्र मेरे साथ मौजूद है इसी ग्राउंड जीरो से। दीपक, कब ये टेस्ट शुरू होगा, कितने सदस्यों की टीम होगी और क्या वाकई इस टेस्ट के जरिए यह पता लगा लिया जाएगा कि उसकी मानसिकता कैसी थी, उसकी सोच कैसी थी? क्योंकि कई तरह के वीडियोज जो कि चीख चीख कर ये साबित करते हैं कि वो ऐसी ही सोच रखता था आपराधिक प्रवृत्ति की। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का ये टेस्ट है, इसमें तकरीबन जो डॉक्टरों की टीम होती है, एक पैनल बनाया जाता है, उसके बाद 3-4 घंटे इस टेस्ट को करने में लगता है। क्योंकि इसमें पूरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा था और पिछले कई दिनों से क्या दिमाग की उपस्थिति, ये सारी चीज़ें जो है इस टेस्ट के माध्यम से इसे हासिल कर सकती है दिल्ली पुलिस। और इसी वजह से ये टेस्ट कब होगा, हालांकि इसके बारे में सूत्र नहीं बता रहे, लेकिन ये टेस्ट जल्द ही होगा। क्योंकि जो क्रिमिनोलॉजी होती है उसको समझने के लिए इस टेस्ट का होना बहुत जरूरी है और दिमाग में पिछले कुछ दिनों से क्या चल। बिल्कुल ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास, लेकिन कई तरह के एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस की जांच में अभी तक उसने इस बात को कबूल तो कर लिया है कि हाँ, उसने साक्षी का मर्डर किया है, क्योंकि प्रवीण नाम का एक शख्स जो कि साक्षी के साथ बातचीत करता था 2001 से, भले ही साहिल और साक्षी एक दूसरे को जानते थे, लेकिन साहिल को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि वो प्रवीण नाम के शख्स से दोस्ती करे, क्योंकि साहिल से पहले ही साक्षी और प्रवीण का एक रिश्ता हुआ करता था, लेकिन बाद में फिर ब्रेकअप हो गया और इसी की खुंदक जो है उसने इस घिनौनी वारदात के रूप में निकाली। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा अपडेट आप तक ये पहुंचा दे कि 28 मई को साहिल और लड़की के बीच सुबह 7:19 पर 2 बार वीडियो कॉल पर बातचीत हुई। इसके बाद लड़की ने साहिल को 2 ऑडियो मैसेज भेजा, जिसमें सीधे तौर पर उसने कहा कि बड़ा बदमाश बन रहा था, कहां चली गई तेरी बदमाशगिरी। यानी कि सीधे तौर पर जो उसका दोस्त था, झबरू नाम का दोस्त, जो कि साक्षी के साथ पहुंचा था उसे धमकाने के लिए, क्योंकि साक्षी की दोस्त एक और
भावना सामने आई है जिसमें वो कह रही है कि साक्षी जो है उससे बातचीत के जरिए ये बताने की कोशिश कर रही थी कि कैसे साहिल उसे परेशान किया करता था। तब भावना ने झबरू से मिलवाया और झबरू ने उसे सीधे तौर पर धमकी दी कि साक्षी से साहिल दूर रहे, लेकिन साहिल को ये डर था कि अगर वो साक्षी से बातचीत करना छोड़ देगा तो ऐसे झबरू जो है उसे मौत के घाट उतार सकता है। तो ऐसे में उसने पूरी प्लानिंग रची और इस पूरी प्लानिंग को इस तरीके से अंजाम दिया कि साक्षी की सरेरा हत्या कर दी गई, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और इस बीच आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जो कि हमेशा से ही लव जिहाद का मुद्दा उठाते रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की आवाज को बुलंद करने की बात करते रहे हैं, इस पूरे मामले पर उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सुन लीजिए क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, क्योंकि सीधे तौर पर एक बार फिर से वो सवाल उठाते हुए। तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हमारे साथ तमाम बातचीत को लेकर जुड़े हुए हैं। बाबा, आपने सूरत के मन से लव जिहाद का जिक्र किया और कल हमने राजधानी दिल्ली में देखा कि आखिर एक लड़की की किस तरीके से हत्या हुई, जिसमें लव जिहाद का एंगल भी निकल कर सामने आ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? लोगों को लगता है कि हम विवादित बयान देते हैं, लोगों को लगता है कि हम विचित्र बयान देते हैं, अपितु हमारे बयान में इस राष्ट्र की पीड़ा छिपी हुई है। प्रत्येक बात में हम इस राष्ट्र के प्रति दिन ना रात पीड़ा से पीड़ित हैं। हमने जो बात लव जिहाद की पूर्व समय से उठाई, लोगों को लगता था कि ये सिर्फ बातें बनाने की बात करते हैं, इसीलिए आपने कल प्रत्यक्ष देखा किस कितनी बर्बरता से चाकुओं का प्रहार करके हमारी बहन को मारा गया। इस देश का दुर्भाग्य और भारत में रहने वाले हिंदुओं का दुर्भाग्य, और उसके हाथ में कलावा देखकर देख लीजिए कि कितनी बड़ी साजिश गहरे तरीके से चल रही है हमारे सनातन धर्म को मिटाने की। इसीलिए हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी मजहब के खिलाफ नहीं, लेकिन इस अमानवीय कृत्य के खिलाफ हैं। और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए अब हिंदुओं को चूड़ियाँ पहनकर नहीं, घर से बाहर निकलना ही। भगवान का नाम लेने से, इस राष्ट्र के जो आराध्य राम हैं उन आराध्य का नाम लेने से दंगे भड़कते हैं कि शांत होते हैं? भगवान नाम से शांति मिलती है क्या अशांति, ये उनको निर्णय करना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले को, हत्याकांड को जो है लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। हमने देखा बीजेपी के सांसद यहां पर पहुंचे, आर्थिक मदद का ऐलान किया गया, इसके साथ ही दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी भी यहां पर पहुंची, लेकिन इसके साथ ही एक अहम किरदार निकलकर सामने आया है जिसने साक्षी को अस्पताल तक पहुंचाया था। उस शख्स का साफ तौर पर कहना है कि अगर वो उस घटना पर मौजूद रहता तो हो सकता था कि साक्षी की जान बचाई जा सके, क्योंकि वो शख्स जो कि सीधे तौर पर कह रहा था कि मैंने फौरन एक्शन लिया, कदम उठाए और साक्षी को अस्पताल में पहुंचाया और उसका इलाज करवाया, अगर वक्त पर मैं मौजूद रहता तो शायद वो लड़की मरने से बच जाती, साक्षी हमारे बीच में होती। लेकिन इसके साथ ही कई तरह के सवाल जो है महिला सुरक्षा को लेकर उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम सरकारें दावा तो करती है महिलाओं को सुरक्षा पहुंचाने के लिए, लेकिन ये सीधे तौर पर जमीनी तौर पर आप देखें कि कैसे हमारी बीच की ही एक बेटी को सरेरा इस तरीके से कुचल दिया जाता है, क्योंकि 20 से ज्यादा वार किए गए थे। हालांकि पुलिस को अभी तक उस हथियार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि शातिराना तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, हथियार जो है रिठाला में छुपाया गया और फिर दो बस के जरिए वो बुलंदशहर पहुंचा। दोनों करीबी, उनका ये कहना है कि झबरू और साथ में एक लड़की जिसका नाम बताया जा रहा है, दोनों मिलकर धमकाने के लिए साहिल के पास पहुंचे। धमकाया किसी को नहीं, अब देखो ऐसे फंसाने के लिए तो दुनिया बातें बनाती है कि हम मर रहे हैं तो इसको भी मरवाएं, ठीक है, ये तो दिल्ली की रिवाज है, एक मर रहा तो दूसरे को लेके डूबे हम, ऐसा कुछ नहीं था। हम उससे मिले थे, वो यहाँ पे 15-17 लड़के लेके खड़ा था, तो उसने मोस्ट वांटेड भी बताया मेरे को, मैं मोस्ट वांटेड होता तो मैं गलियों में नहीं घूमता भी, मैं यहाँ पे नहीं आता, मैं अपना अंदर ही रहता, भागता कहीं, ठीक है, मैं अपना काम धंधे वाला आदमी, अपना काम धंधे से ध्यान रखता हूँ बस। साहिल से पहले कभी आपकी बातचीत थी, परिचय था? पहले कभी बातचीत नहीं थी, बाकी यहीं पर ही घूमते रहते थे, मिलते थे बस। दीपक मेरे सहयोगी लगातार मौजूद है। दीपक, देखिए 3 दिन से लगातार हम इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर महिला सुरक्षित कैसे नहीं रहती, क्यों नहीं रहती, क्योंकि दावे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात यही है जो सीसीटीवी फुटेज निकल कर सामने आया, सरेरा चाकुओं से गोद कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया, पत्थर से कुचला गया, लेकिन आसपास के लोग गुजरते रहे, आते जाते रहे, मुड़ मुड़ के जरूर देखा गया, लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। देखिये बिल्कुल, जिस तरह से दरिंदगी और हैवानियत का नमूना यहाँ पर देखा था हमने, और उसके बाद लोगों से पूछताछ भी करी थी, उससे पूछा था कि आखिर क्यों नहीं लोगों ने बचाया, तो और सबने यही
जवाब दिया कि हम डर गए थे या हमें पुलिस का सामना नहीं करना था, इस तरह की देखानुसी बातें करके लोगों ने एक मासूम जो नाबालिग यहां पर लोगों से गुहार लगा रही थी वो अपने को नहीं बचा सकी। अगर उस वक्त लोग वहां पर जो आसपास सीसीटीवी कैमरों में नजर आ रहे थे वो बचाने की अगर कोशिश करते तो शायद नाबालिग को बचाया जा सकता था। और यहां पर जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज में पुलिस को कई लोग आते जाते दिखे हैं उनसे पुलिस ने पूछताछ की है, उनके स्टेटमेंट लिए हैं, क्योंकि जिस तरह से दरिंदगी से आरोपी साहिल इस पूरी वारदात को अंजाम दे रहा था उसके बाद से ही लगातार जो आसपास के लोग थे उन पर सवाल उठ रहे थे कि बेबसी और लाचारी वो क्यों दिखा रहे थे, क्योंकि जिस दरिंदों को पकड़ा जाना था वो मौके पर ही रुक सकता था, पकड़ा जा सकता था अगर लोग इकट्ठा होते, लेकिन कोई भी ऐसा हिम्मत नहीं जुटा पाया और इसी वजह से आरोपी साहिल पूरी वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो गया। लेकिन फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में वो अभी जो चाकू बरामद करना है उसे बरामद करने के लिए कई टीमें भेजी गई हैं और उसका जल्द ही कुछ उसके जो रिमांड उसकी है। सवाल मेरा आपसे ये भी है क्योंकि कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं, एक सीसीटीवी फुटेज में ये दिख रहा है कि साहिल कैसे बीच रास्ते में रुककर एक शख्स से बातचीत करता है, कुछ मिनट वहां पर गुजारता है और जैसे ही वो देखता है कि साक्षी वहां से सामने से आ रही है तो वो तुरंत उसका पीछा करता है, उसे रोकता है। हालांकि कई तरह के सीसीटीवी फुटेज ये दावा कर रहे हैं कि प्लानिंग उसकी तरफ से की गई थी, पहले रेकी की गई थी, जानकारी जुटाई गई थी कि कब और कैसे साक्षी निकलेगी, तो ऐसे में कितने मददगार ये सबूत साबित हो सकते हैं इस पूरी जांच में? देखिए जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं वो सारे फुटेज पुलिस के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे, क्योंकि ये यही वो गली है जिस गली से यहाँ से गुजरते हुए उस दिन रात को यहाँ से नाबालिग गई थी और उसके बाद आरोपी साहिल इस गली के बिल्कुल कोने में उस जगह पर इंतजार कर रहा था जहाँ पर लाइट्स कम होती है, अंधेरा होता है, और वहीं पर सीसीटीवी फुटेज में उसकी सारी वारदात को कैद किया था। और ये सारे सीसीटीवी फुटेज उसके खिलाफ एक बड़ा पुलिंदा बांधेंगे सबूतों को, और इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने सारे सबूत इकट्ठा किए हैं जहाँ से ये आ रहा था, जहाँ से लड़की आ रही थी और उसके दौरान के आसपास कुछ लड़के और भी थे या नहीं थे, इन सब फुटेजों को कलेक्ट किया जा रहा है। और जो लोग इस फुटेज में दिखाई दे रहे हैं उन फुटेज के आधार पर उन लड़कों से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि पुलिस को शक है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई बड़ी प्लानिंग की जा रही हो, क्योंकि हालांकि आरोपी अकेला दिख रहा है लेकिन उसके जो साथ के लड़के हैं क्या वो भी आसपास मंडरा रहे थे, ये सारी जानकारियां फुटेज के आधार पर पुलिस लेने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से इस तरह के जो सीसीटीवी फुटेज है उनको कलेक्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और इसी वजह से वो तमाम लोग, तमाम दोस्त जो है पुलिस की रडार पर है, जिनसे अब पुलिस जो है पूरी सख्ती से पूछताछ करेगी। लेकिन इसी बीच साक्षी की दोस्त भावना से हमारे सहयोगी मानव यादव ने बातचीत किया है, क्योंकि भावना ही साक्षी को अपने दोस्त जुगरू के पास लेकर गई थी और जुगरू ने ही सीधे तौर पर साहिल को ये चेताया था, चेतावनी दी थी कि साक्षी से बात मत करना। आपकी और जबरू जो अजय है और मृतिका जो अब हमारे बीच नहीं है, आप तीनों लोग साहिल के पास गए थे तो आपकी क्या बातचीत साहिल को हुई थी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि साहिल धमकी देता था, टॉर्चर करता था मृतिका को, तो आप लोग समझाने पहुंचे? उसने अच्छी को ये बोला था कि अगर किसी से बात करेगी तो मार दूंगा तेरे को, तो हमारे पास आई थी हेल्प मांगने, तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, फिर हम बातचीत करके हम गए थे उस लड़के के पास, उसको बुलाया था हमने, तो उन्होंने बोला कहाँ पे आऊँ, हमने बोला अखाड़े पे आ जाओ, तो उन्होंने बोला नहीं पीपल के पास आ जाओ आप। अच्छा। तो हम पीपल के पास गए, वहाँ पे बातचीत हुई, हमने बोला क्यों परेशान करता भाई, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात करता था मैं इससे पहले फलान टिका ना, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा जो हो गया ना, तू इसे परेशान करियो ना ये तेरे को करेगी, ऐसी बात उत कर ली थी हम सब ने, तो हम लोग आ गए थे उधर से। लोगों से बात हुई और उनका ये कहना है कि जब आप लोग साहिल को समझाने गए तो आपके हाथ में और जबरू के हाथ में कोई कट्टा था, कोई बंदूक थी, आप लोगों ने बंदूक तानी उसके ऊपर? पिस्टल बता रहे हैं, वो पिस्टल असली नहीं थी, नकली थी, वो भी अभी पड़ी हुई है किसी बच्चे से, मैं यही गली में से छीन के ले गया था, वो नकली थी, प्लास्टिक की थी। तो पिस्टल का क्या मतलब, क्यों आप लोगों ने उसको इस्तेमाल किया, कि समझाने के लिए कि शायद मान जाए? नहीं, ऐसे ही मजाक में ले ली थी, तो मेरे को कह रही लाओ मेरे को दो ना, मैं रख लेती हूँ, तो साक्षी ने लोवर में लगा ली थी। आप कितने सालों से जानती हैं उस मृतिका को? एक हफ्ता हुआ है मेरे को। तो फिर आपने उसकी मुलाकात जबरू से कराई? हाँ, मतलब उसे हेल्प चाहिए थी तो मैंने भाई से मिलवाया था, मैंने कहा इनको बताओ ये उसको समझा देंगे। बिल्कुल, तो भले ही जबरू ने साहिल को डराया हो लेकिन इससे पहले साहिल ने एक नकली पिस्तौल से सीधे तौर पर साक्षी को धमकाया था, चेतावनी दी थी, लेकिन इस बीच साहिल की एक पड़ोसन महिला ने दावा किया है कि उसका जो व्यक्तित्व था, उसका जो नेचर था, वो मारपीट करने वाला था, हमेशा आए दिन किसी के साथ उसका झगड़ा हुआ करता था, इसी वजह से 3 से 4 साल के भीतर भीतर उसके और उसके परिवार ने 3 से 4 मकान बदल लिए थे। और इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि साहिल जो कि अक्सर शराब पार्टियां करता था, हुक्का पीता था और पूरी
रहीसी झाड़ने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी पड़ोसन महिला का क्या कुछ कहना है सुनिए। बीते 3 से 4 साल में साहिल के परिवार ने शाहबाद डेरी प्रहलादपुर के आसपास करीब 4 से 5 ठिकाने बदले, और ठिकाने बदलने की वजह यह कि जहां गए वहां पर साहिल की मारपीट हुई, और मारपीट की वजह से परिवार को घर बार बार बदलना पड़ा। ये वो घर है जिस पर ताला लगा हुआ है, जहां पर करीब 2.5 साल पहले साहिल का परिवार रहता था, और ये बताया जाता है कि यहां पर उनका कुछ विवाद हुआ, उसके बाद परिवार इस शाहबाद डेरी को छोड़कर दूसरे जगह चला गया, अपनी नानी के घर रहने के लिए चला गया। क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति जी, साहिल इस वाले घर में कब रहता था और कब से यहाँ पर नहीं है वो? ये 2-2.5 साल पहले यहाँ रहते थे और फिर उसके बाद खाली कर दिया, रीजन तो पता नहीं, बहुत पहले एक बार ही लड़ाई हुई थी बस। क्या उसकी लड़ाइयाँ होती रहती थी, कुछ इस टाइप की प्रवृत्ति का था वो? हाँ, मतलब ऐसे आते रहते थे लड़ाई के लिए भी, और फिर घर पे वो कम रहता था, बाकी तो ज्यादा जानती नहीं। आप जैसे बता रहे थे कि कुछ सिर वगैरह फूट गया, मार पिटाई, यहाँ पे एक लड़का आया था तो उनकी उनसे लड़ाई हो गई थी, यहीं पे लड़ाई हुई थी, उनके 2 आए थे लड़के, फिर उसके बाद ही ज्यादा पता नहीं फिर चले गए। और वह इन सब के बीच बाबा बागेश्वर ने लवजात के ऊपर एक बड़ा प्रहार कर दिया है। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग वो इसलिए करते हैं ताकि देश में बेटियां सुरक्षित रह सके। लवजात पर प्रहार करते हुए बाबा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र ही लवजात का इलाज है। और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लव जिहाद को लेकर धीरेंद्र शास्त्री का बयान भी सामने आ चुका है, और उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि हिंदू राष्ट्र ही लव जिहाद